Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with Shipra Tire. So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन डिजीज मीन्स मानव रोग. ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरासिटिक डिसीजेस के बारे में और बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में. ठीक है, अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पैरासाइट्स के थ्रू जो डिसीजेस होती है वो कौन कौन सी होती है. तो देखिए फ्रेंड्स, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के थ्रू जो डिसीजेस होती है वो कौन कौन सी होती है. तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी. फ्रेंड्स सोना या गोल्ड नहीं है, स्लीपिंग डिसीज के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, तो सोने की बीमारी, पैचिश और कालाजार, ये जो सारे रोग हैं फ्रेंड्स ये किसके थ्रू होंगे, पैरासाइट्स के थ्रू. अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स बैक्टीरियल डिसीजेस की, तो वो कौन कौन से होते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं, तो वो है टिटनेस, हैजा, हैजा मीन्स कॉलेरा, टाइफाइड, क्षयरोग, क्षयरोग का मतलब होता है फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी. ओके, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस. ओके, तो फ्रेंड्स ये जो सारे रोग हैं ये किसके थ्रू होंगे फ्रेंड्स, ये है बैक्टीरियल डिसीजेस जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं. तो चलिए अब ये सारे रोग से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग निम्न में से किस परजीवी द्वारा होता है. तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मलेरिया जो है ये एक पैरासिटिक डिसीज है. ओके, तो मलेरिया जो होता है वो किस परजीवी के द्वारा होता है. आपके ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा जिंजिवॉलिस, ट्रिपेनोसोमा और लिशमेनिया डोनोवनी. तो फ्रेंड्स मलेरिया जिस पैरासाइट्स के थ्रू होता है वो है प्लाज्मोडियम. तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा. अब यदि फ्रेंड्स इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट जो होता है वो इससे प्रभावित होता है इस रोग से, तो वो होता है फ्रेंड्स स्प्लेन यानी कि तिल्ली बोला जाता है इसे हिंदी में, या फिर प्लीहा. ठीक है, और जो हमारे ब्लड में जो RBCs पाई जाती है, रेड ब्लड सेल, वो भी इससे प्रभावित होते हैं. ठीक है, और फ्रेंड्स जो मलेरिया रोग जो होता है ये एक तरीके के मच्छर के थ्रू यानी कि मॉस्किटो के थ्रू संचारित होता है. तो वो मॉस्किटो कौन सा होता है, वो होता है एनाफिलिस मॉस्किटो. और एनाफिलिस में भी मादा एनाफिलिस के थ्रू क्या होता है, मलेरिया रोग जो है इसका संचारण होता है. ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स. अब यदि बात इसके सिम्टम की करते हैं मलेरिया रोग के, तो मलेरिया रोग जो होता है इसके सिम्टम क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि इसमें बहुत तेज ठंड लगती है और उसके साथ में बुखार आ जाता है. ठीक है, हाई फीवर होता है. तो इस तरह से फ्रेंड्स मलेरिया जो होता है वो किस परजीवी के थ्रू होता है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू. सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पायरिया रोग निम्न में से किस परजीवी द्वारा होता है. अब फ्रेंड्स पायरिया रोग जो है ये भी एक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, तो ये किस परजीवी के द्वारा होगा, तो पायरिया रोग होता है फ्रेंड्स एंटी अमीबा जिंजिवॉलिस के थ्रू. ठीक है, यही वो परजीवी जिसके थ्रू पायरिया जो रोग है ये होता है. अब देखिए फ्रेंड्स, यदि इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं तो जो मसूड़े होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है. ठीक है, तो इस तरह का जो रोग होता है उसे कहा जाता है पायरिया. और ये किस परजीवी के द्वारा होता है, तो ये होता है एंटी अमीबा जिंजिवॉलिस के थ्रू. सो हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोने की बीमारी निम्न में से किस परजीवी के द्वारा होती है. सोने की बीमारी यानी कि जो स्लीपिंग डिसीज है वो किसके द्वारा होती है, किस परजीवी के द्वारा, तो वो होती है फ्रेंड्स ट्रिपेनोसोमा के थ्रू. ओके, अब देखिए इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन. अब देखिए मस्तिष्क ही क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड पाई जाती है जिससे ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे सोने और जागने की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स सोने की बीमारी, जब इस बीमारी से कोई पर्सन अगर ग्रसित होता है तो वो उसके मस्तिष्क पे सबसे पहले इफेक्ट करती है. ओके, और ये किस परजीवी के थ्रू होता है, तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा के थ्रू. तो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब फ्रेंड्स यदि बात करें इसके वाहक मच्छर की, कि ये जो होता है ये रोग जो है ये किस मच्छर के थ्रू संचारित होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये होता है सीसी मक्खी के थ्रू. ठीक है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस रोग के अगर सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नींद आती है और उसके साथ में फीवर आता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेचिश रोग निम्न में से किस परजीवी द्वारा होता है. तो फ्रेंड्स पेचिश रोग जो है ये होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू. ओके, सो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा. और यदि इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आंत जो होती है, हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन पाई जाती है,
वो इससे प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके साथ इसमें लूज मोशन हो जाते हैं जिसमें ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह के रोग को कहा जाता है पेचिश। और ये किस परजीवी के द्वारा होता है, तो ये होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालाजार रोग निम्न में से किस परजीवी द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स कालाजार रोग जिस परजीवी के द्वारा होगा उसका नाम है लिशमेनिया डोनोवानी। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो अस्थि मज्जा होता है ना, वो पूरी तरह से इसमें प्रभावित होता है। और फ्रेंड्स इसका जो वाहक मच्छर है जिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, तो वो फैलता है फ्रेंड्स बालू मक्खी के थ्रू, इसे बालू मक्षिका भी बोला जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वो मक्खी है जिसके थ्रू कालाजार रोग जो है वो फैलता है। और इस रोग के सिम्टम क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत तेज बुखार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा कि कालाजार रोग किस परजीवी के द्वारा होता है, तो वो होता है लिशमेनिया डोनोवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटनेस रोग निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स टिटनेस रोग जो है ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। ठीक है, तो टिटनेस रोग को किस जीवाणु द्वारा होता है, आपके ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनी, विब्रियो कॉलरी, साल्मोनेला टाइफी और माइकोबैक्टीरियम। तो फ्रेंड्स टिटनेस रोग जिस जीवाणु के द्वारा, जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनी। आप फ्रेंड्स इनके नाम जो है उन्हीं से जो इनके जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है उनके बारे में फ्रेंड्स याद कर सकते हैं आसानी से कि देखिए टिटनेस जो है वो किसके थ्रू होगा, तो वो होगा क्लॉस्ट्रिडियम टैटनी के थ्रू, है ना। अब यदि बात फ्रेंड्स इससे प्रभावित अंग की करते हैं, तो देखिए जो तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से इसमें प्रभावित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है, है ना, यानी कि शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो जकड़ती है एक दूसरे से, जकड़न महसूस होती है बॉडी में। ठीक है, और जो हमारे मुंह में जो जॉ पाया जाता है वो बंद हो जाता है, यानी कि वो चिपकने लगता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं वो किस रोग में आते हैं, तो वो आते हैं टिटनेस रोग में। ओके सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैजा मीन्स कॉलेरा रोग निम्न में से किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स कॉलेरा रोग जो होता है ये होता है विब्रियो कॉलरी के थ्रू। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए हैजा से तो आपको पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इसका नाम इंग्लिश में भी याद करेंगे, जो कि आपको करना ही है, ठीक है, सारी जो डिसीजेज है उनके नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। तो जो कॉलेरा रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो वो होता है विब्रियो कॉलरी के थ्रू। आसानी से आप याद कर सकते हैं कॉलेरा जो रोग है वो विब्रियो कॉलरी के थ्रू होगा। अब देखिए इसमें भी प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो इसमें प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली लूज मोशन होते हैं और वॉमिटिंग होती है, यानी कि दस्त लगते हैं और उल्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफाइड यानी कि टाइफाइड रोग निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स टाइफाइड जो रोग है ये होता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। ठीक है, यही वो जीवाणु है जिसके थ्रू टाइफाइड रोग जो है वो होता है। अब देखिए टाइफाइड रोग से प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है, वो है इंटेस्टाइन, यानी कि इस रोग में भी क्या होती है फ्रेंड्स जो हमारे इंटेस्टाइन होती है वो इफेक्ट हो जाए, उस पर इफेक्ट आता है। अब देखिए इसके सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हाई फीवर होता है, तेज बुखार आता है और हेडेक होता है, सिर दर्द भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रोग होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स टाइफाइड, और किस जीवाणु के थ्रू होता है, तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स फ्रेंड्स टीबी। ठीक है, अब जो टीबी रोग जो होता है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, तो अगेन आपको ट्यूबरक्लोसिस उसके जो बैक्टीरिया उसका नाम याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्षय रोग जो होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। और फ्रेंड्स यदि इससे प्रभावित अंग की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो लंग्स होते हैं यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके सिम्टम में क्या होता है कि बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ में कफ भी आते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में फ्रेंड्स क्या होता है कि उसी खांसी के साथ में ब्लड भी निकलने लगता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड निकलता है ये एक तरीके का संक्रामक रोग है, यानी कि ये एक दूसरे से फैलता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स लार के थ्रू यानी कि जो सलाइवा होती है उसके थ्रू फ्रेंड्स ये एक दूसरे में फैलता है।
ठीक है। अब इसके जीवाणु के बारे में आपसे पूछा था, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्थीरिया निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स डिप्थीरिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, राइट। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स डिप्थीरिया जो रोग होता है ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू, ठीक है। इसी जीवाणु के कारण ये रोग होता है और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स सांस लेने में तकलीफ। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है इससे जो प्रभावित अंग है वो कौन सा रहेगा, तो फ्रेंड्स जो हमारी श्वसन नली होती है यानी कि ट्रेकिया वो इससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेग रोग निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स प्लेग रोग जो है ये होता है पास्टोरेला पेस्टिस के थ्रू, ठीक है। उस जीवाणु का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, पास्टोरेला पेस्टिस, ओके। अब यदि फ्रेंड्स इसमें बात करते हैं कि इससे कौन सा जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स इसमें भी लंग्स जो है वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स सिम्टम्स जो आते हैं इसके वो क्या क्या होते हैं कि इसमें बहुत तेज बुखार आता है, हाई फीवर आता है और शरीर पर फ्रेंड्स इन्फेक्शन यानी कि बॉडी पे इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह के का जो रोग होता है वो होता है प्लेग और किस जीवाणु के द्वारा होगा, तो वो होगा पास्टोरेला पेस्टिस के थ्रू। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काली खांसी यानी कि रूपिंग कफ रोग निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स काली खांसी जो रोग होता है ये होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरह से इसमें प्रभावित होता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स की यदि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कंटिन्यूसली खांसी आती रहती है, ठीक है, लगातार जो है खांसी आती है, है ना। तो इस तरीके का जो रोग है वो कौन सा है फ्रेंड्स काली खांसी, और ये किस जीवाणु के थ्रू होता है, तो ये होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के थ्रू। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमोनिया रोग निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स निमोनिया जो रोग होता है ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थ्रू। निमोनी और निमोनिया फ्रेंड्स आप आसानी से इनके जीवाणु के जो नाम है, बैक्टीरिया के जो नाम है, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ओके। तो निमोनिया जो रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी के थ्रू। अब फ्रेंड्स यदि बात करें इसके प्रभावित अंग की, तो फ्रेंड्स इसमें भी जो लंग्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है, यानी कि फेफड़े, ठीक है। और यदि इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हाई फीवर आता है और फेफड़े जो होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है यानी कि लंग्स में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रोग होता है वो होता है निमोनिया। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है डिप्लोकोकस निमोनी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड रोग यानी कि लेप्रोसी निम्न में से किस जीवाणु द्वारा होता है। अब अगेन वही चीज़ है फ्रेंड्स, कोड रोग से आप कम समझेंगे पर लेप्रोसी नाम से आप आसानी से जीवाणु का नाम याद कर सकते हैं, बैक्टीरिया का नाम, और वो है फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोड रोग जो होता है वो जिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है और साथ ही साथ में फ्रेंड्स त्वचा यानी कि स्किन जो है उस पर भी बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि कोड की बीमारी जो होती है फ्रेंड्स उसमें स्किन पर वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स सिम्टम्स की बात करें तो शरीर पे चकते आते हैं ना, और जो हमारी सारी तंत्रिका तंत्र जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत जितनी भी तंत्रिका आएंगी वो सब प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेप्रोसी रोग जो है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोनोरिया फ्रेंड्स इसे सुजाक रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो गोनोरिया रोग निम्न में से किस जीवाणु किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स गोनोरिया रोग जो होता है ये होता है निसेरिया गोनोरिया के थ्रू, ठीक है। इसमें जो जीवाणु जिसके थ्रू होता है वो होता है निसेरिया गोनोरिया। और फ्रेंड्स इसके यदि सिम्टम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें मूत्र मार्ग में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस रोग निम्न में से किस जीवाणु किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स सिफिलिस रोग जो है ये होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम के थ्रू,
ठीक है। अभी ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो जीवाणु है इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है सिफिलिस। और यदि बात इसके सिम्टम्स की करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो मेल पर्सन के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें वॉन्ड घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुई पाश्चर ने निम्न में से किसकी खोज की है। लुई पाश्चर जो है फ्रेंड्स जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं उन्हीं की इमेज है। तो लुई पाश्चर जो ने निम्न में से किसकी खोज की है, आपके ऑप्शन है रेबिस का टीका, दूध का पाश्चराइजेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है वन इन टू बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स लुई पाश्चर जो है उन्होंने ये दोनों ही चीज़ रेबिस का टीका और दूध के पाश्चरीकरण इन दोनों ही चीज़ों की खोज की है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। दूध के पाश्चराइजेशन से मतलब ये फ्रेंड्स कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि दूध को इतने समय तक या फिर इतने तापमान तक उसको गर्म किया जाता है कि उसमें जितने भी टाइप के जो रोगाणु है लाइक उसमें जितने भी टाइप के बैक्टीरियम्स है वायरसेस जो हैं जो उसे नुकसान करेंगे जो हार्म करेंगे यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं वो सारे नष्ट हो जाए, उसमें जितने भी पैथोजेंस है वो प्रेजेंट होते हैं वो सारे नष्ट हो जाए उसे इस तापमान तक गर्म किया जाता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं दूध का पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि वन एंड टू बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से हेलमिंथस द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं। आपके ऑप्शन है अतिसार मीन्स डायरिया, सेकेंड ऑप्शन है फाइलेरिया, थर्ड ऑप्शन है वन एंड टू बोथ, एंड फोर्थ वन इज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हेलमिंथस क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए हेलमिंथस जो है ये एक तरीके का कृमि है यानी कि वॉर्म है, ठीक है। अब कृमि शब्द जो है ये उन सभी जीव प्राणियों के लिए यूज होता है जिनका शरीर कैसा हो फ्रेंड्स, लंबा हो, ठीक है, और बेलनाकार हो, लंबा भी हो और साथ में सिलेंड्रिकल शेप का भी हो। और ये सब कैसे चलते हैं फ्रेंड्स, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, ठीक है। अब कृमि कई तरह के होते हैं तो उनका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि इन सभी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा, है ना। तो हेलमिंथस से जो होने वाले रोग है वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अतिसार और फाइलेरिया यानी कि डायरिया और फाइलेरिया दोनों ही ऐसे रोग है फ्रेंड्स जो हेलमिंथस यानी कि जो कृमि है उसके थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वन एंड टू बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे कि BCG का जो टीका है ये किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोला जाता है, क्षय रोग यानी कि TB भी बोला जाता है, इतने सारे नाम है इसके। तो BCG का जो टीका लगता है जिसका BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कॉलमेंटेटर ग्यूरिन। अब इसका जो टीका लगता है फ्रेंड्स ये तपेदिक जो रोग आता है इससे बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स काली खांसी डिप्थीरिया और टिटनस से अगर बचाव चाहिए तो फ्रेंड्स इसके लिए DPT का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो रोग है इससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, DPT का, ओके। और BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है फ्रेंड्स तपेदिक से बचाव के लिए, ओके। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से OPV का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स OPV का टीका जिस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है वो है पोलियो। इमेज में ही आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स बचपन में हम सभी ने पोलियो की दवाई पी है, ठीक है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ये दवाई ना पी जाए तो उसमें फ्रेंड्स फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा कि OPV का टीका जो है वो किसके लिए लगाया जाता है, पोलियो से बचाव के लिए। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फ्रेंड्स इसे शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी होती है तो फ्रेंड्स आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको उसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज फ्रेंड्स योर अप्रिसिएशन इज़ आर सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।